चलिए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का फिफ्थ क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का। इसमें कहा गया है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, तो हमें क्या करना है, इनका परिमेयकरण करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो हमें संख्या दी हुई है ए बटा वर्गमूल 7 दी हुई है। अब इसमें देखो हर क्या है, ये ऊपर अंश है और ये नीचे हर है। अब हर में जो संख्या दी हुई है वो कैसी संख्या दी हुई है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या दी हुई है, अपरिमेय संख्या। और हमें करना क्या है, इसका परिमेयकरण, हमें इसका परिमेयकरण करना है, यानी कि इसको परिमेय संख्या बनाना है नीचे, तो इसका परिमेयकरण हो जाएगा। जैसे किसी को शुद्ध करना हो तो शुद्धिकरण बोलते हैं, तो किसी को परिमेय करना है तो उसका परिमेयकरण कर दिया। तो यहां पे इसका परिमेय करना है, यानी कि जो हर है उसमें जो संख्या बनानी है हमें, उसको परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बटा वर्गमूल 7 है, तो नीचे हर में अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हम एक बटा वर्गमूल 7 को लिख देंगे, एक बटा वर्गमूल 7 गुना जितना है ये उतने से ऊपर गुणा कर देगा और उतने से नीचे गुणा कर देगा। इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, देखो कट जाएगा। अब देखो ऊपर तो आ गया वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 की वर्गमूल 7 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। अब देखो नीचे हमारे पास अपरिमेय संख्या नहीं बची, कैसी संख्या आ गई, परिमेय संख्या होगी। तो हर हमने, हर था हमारे पास अपरिमेय संख्या थी, हमने क्या बना दी इसकी, परिमेय संख्या, तो इसका परिमेयकरण हो गया, यही हमारे पास इसका आंसर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये एक टाइप ऐसी है जिसमें जो हर है उसमें एक ही संख्या दी हुई है, प्लस माइनस में कुछ नहीं है, एक सिंगल टर्म है, तो उसी से मल्टीप्लाई करना है, उसी से डिवाइड करना है, उसी से ऊपर कर देना और उसी से नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जैसे अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, इसमें अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, इसमें है हमारे पास एक बटा वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर। तो अब की बार हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों इसको, जब संख्याएं नीचे दो अलग अलग टर्म है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो माइनस लेंगे, और बीच में अगर माइनस का साइन है तो साइन है तो प्लस का लेंगे, तो हम ऊपर भी गुणा कर देते हैं वर्गमूल 7 प्लस, क्योंकि माइनस का साइन है तो प्लस का साइन ले लेते हैं, और ये ले लिया हमने। अब देखो इसका बेनिफिट क्या हुआ, ऊपर तो आ गया वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, नीचे देखें ये हमारे पास वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 और वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। अब आप देखेंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी किया था। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ऊपर तो ऐसे ही है वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो a है हमारा वर्गमूल 7 इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी है हमारा वर्गमूल 6 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 और यहां पे 7 माइनस, वर्ग से वर्गमूल कट जाए, यहां पे भी कट गया 6, तो यहां पे हमारे पास आ गया वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 बटे में 1, यानी कि ये आ गया हमारे पास वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। ठीक को तो लिखे, देखो परिमेय संख्या बन गई ना, तो अपरिमेय संख्या से हमने क्या बना दिया, परिमेय संख्या, तो इसका परिमेयकरण हो गया, यानी कि यही इसका आंसर है। तो ये था हमारा पार्ट सेकंड। इसी तरह से पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ भी बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है, चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं। पार्ट थर्ड,
इसमें हमारे पास एक बटा वर्गमूल पांच प्लस वर्गमूल दो, तो आप इसको लिख दोगे कि हर का परिमेयकरण करने पर। अब देखो अबकी बार हमारे पास वर्गमूल पांच प्लस वर्गमूल दो, तो बीच में प्लस का साइन है तो हम माइनस लेंगे, तो वर्गमूल पांच माइनस वर्गमूल दो, और यहां पे भी वर्गमूल पांच माइनस वर्गमूल दो। देखो ले तो हम ये प्लस भी सकते थे, जैसा है वैसा भी ले सकते थे, लेकिन उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। यहां पे a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले की वजह से a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लस को बेशक पहले लिख दो, a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले की वजह से वर्गमूल खत्म हो जाता है, इस वजह से हम साइन चेंज करके लिखते हैं। अब यहां से देखो वर्गमूल पांच माइनस वर्गमूल दो, यहां पे a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लग जाएगा, वर्गमूल पांच का स्क्वायर हो जाएगा और ये वर्गमूल दो का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया वर्गमूल पांच माइनस वर्गमूल दो बटे में वर्ग से वर्गमूल कट गया कि पांच आ जाएगा, और यहां से भी कट गया तो दो आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल पांच माइनस वर्गमूल दो बटे में तीन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया भाई, हर का परिमेयकरण हो गया, अब ये परिमेय संख्या बनेगी हर में। तो ये था हमारा पार्ट थर्ड। ठीक इसी तरह से पार्ट फोर है हमारे पास, एक बटा वर्गमूल सात माइनस दो, तो कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, लिख देंगे हम कि क्या लिख देंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कर दिया तो एक बटा वर्गमूल सात माइनस दो, और यहां वर्गमूल सात प्लस दो कर देते हैं, और वर्गमूल सात प्लस दो, तो ये वर्गमूल सात प्लस दो हो गया, यहां पे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर, यानी कि वर्गमूल सेवन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू का स्क्वायर, तो वर्गमूल सात प्लस दो, और यहां से ये सात माइनस चार, तो वर्गमूल सात प्लस दो बटे में तीन। अब देखो भाई हर का परिमेयकरण हो गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बहुत आसान सा एक क्वेश्चन था हमारे पास। तो पहले बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.5, तो आप जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। थैंक यू वेरी मच।